ये देख पा रहे होंगे हिमाचल स्थित सोलन का ये बस स्टॉप है जहाँ पे एचआरटीसी की बसें कंडक्ट होती है। इसी बस स्टॉप से अलग अलग जगह की बसें जाती हैं। तो आज हम सोलन रुके थे तो सोलन में अलग अलग जगह हमने देखी और उनको विजिट किया। ये सामने जो रोड जा रहा है ये सीधा सीधा चंडीगढ़ चला जाएगा, तो आप एचआरटीसी के अलावा जो टॉय ट्रेन चलती है उससे भी देख सकते हैं। और ये ऊपर जो देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा सोलन शहर बसा हुआ है। सोलन शहर फार्मा के लिए और फूड प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। तो सोलन शहर में बहुत सारी जगह जो देखने लायक है और बहुत सारे इंडस्ट्रियल हब भी बने हुए हैं। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन हब भी यहाँ बन गया है। और ये वाला रूट शिमला को चला जाएगा सीधा सीधा, शिमला के लिए जो नया बाईपास बना है तो वो बाईपास ये इसके लिए सोलन के लिए वरदान है। और ऊपर देख पा रही है जो झंडा है, ये झंडा एक पार्क है यहाँ पे, उस पार्क में लगा हुआ है, ये सोलन की शान है। मैं वापस आपको बस स्टैंड की तरफ लेके चलता हूँ और ये बस स्टॉप आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप देख पा रहे होंगे ये जो है सोलन बस अड्डा है, एचआरटीसी की बसें यहाँ से कंडक्ट होती है। और ये रूट इधर शिमला की तरफ जा रहा है और इस तरफ मेरे जो देख पा रहे होंगे ये चंडीगढ़ या दिल्ली को जाता है। तो अब यहाँ से हम बस लेंगे और उसके बाद में चंडीगढ़ जाएंगे, फिर आगे का मैं आपको बताता हूँ। सोलन में दर्शनीय स्थल, इसके बारे में हिमाचल प्रदेश पुलिस स्टेशन पर यह सारी जानकारी दे रखी है। यहाँ पर सोलनी माता मंदिर जो कि दो स्थानों पर है, कसौली तथा चहल जिसे चायल कहते हैं, यहाँ पर भी घूमने की जगह है। जटोली महादेव मंदिर जो कि जटोली का शिव मंदिर है, इसका वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, तो आप उसे भी विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। जैसे ही बाईपास से आप सोलन शहर यानी पुराने बस स्टैंड की तरफ जाएंगे तो रास्ते में मोहन पार्क भी मिलेगा। यह बच्चों के लिए और बड़ों के लिए काफ़ी बड़ा और सुंदर पार्क बना रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सोलन के अंदर आप बहुत से कम रेट पर रुक सकते हैं, यहाँ पर स्टे कर सकते हैं और यहाँ के आसपास की चीज़ों को घूम सकते हैं। यहाँ पर शिवदयाल गेस्ट हाउस तथा उसी के पास में अग्रवाल समाज का गेस्ट हाउस बना हुआ है। इन गेस्ट हाउस में अलग अलग रेट पर, बहुत सस्ते रेट पर रुकने की व्यवस्था है। ये गेस्ट हाउस जो अग्रवाल समाज का है, ये सोलन में स्थित है। इसके छत के ऊपर का ये पूरा नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये छत के ऊपर का नज़ारा देख सकते हैं आप। यह गेस्ट हाउस गज बाजार सोलन या पुराना बस स्टॉप के पास में ही है। जैसे ही हम माल रोड की तरफ चलते हैं तो उसी के पास में एक छोटी सी गली से गज बाजार को रास्ता निकलता है। ये अग्रवाल समाज की एक बनी हुई गेस्ट हाउस है जिसमें आप कभी भी आके यहाँ रुक सकते हैं। तो सोलन स्थित है ये गेस्ट हाउस है और ये आने का मैं रास्ता है मुख्य बाजार से। देखो ये मुख्य द्वार है उस धर्मशाला या गेस्ट हाउस में अंदर जाने का। माँ सोलनी का मंदिर जो है वो भी इसी रास्ते में है, तो इसी रास्ते के द्वारा आप यहाँ गेस्ट हाउस में आ सकते हैं और रुक सकते हैं। सोलनी माता मंदिर सोलन स्थित, तो ये छोटा मंदिर है, बड़ा मंदिर भी अभी चलते हैं। माँ सोलनी पीठम के पास में ही शिवदयाल गेस्ट हाउस जो कि बहुत पुराना है तथा वहीं पर होम्योपैथिक हॉस्पिटल भी बना रखा है ट्रस्ट के द्वारा, तो आप आसानी से इसको पहचान सकते हैं। ये गज बाजार सोलन में या पुराना बस स्टैंड के पास में माँ सोलनी पीठम का जो मंदिर है वो पूरा का पूरा लाल रंग से कर रखा है, तथा इसी मंदिर परिसर में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर और माँ सोलनी के 8 अवतारों को बता रखा है। महादेव का छोटा सा मंदिर जिसमें बहुत सारी झांकियां बना के बहुत सुंदर बना रखा है। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, सोलन के आसपास और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आप विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा इस ब्लॉग को बनाने का उद्देश्य और बताने का उद्देश्य केवल यही है कि आप कम से कम खर्चे में, कम से कम बजट में भी बहुत अच्छा घूम सकते हैं। मैं इस चीज़ को ऐसे समझाना चाहूँगा दोस्तों कि पुराने समय में भी लोग, जब होटल प्रथा नहीं होती थी, होटल नहीं होते थे, उस समय भी लोग घूमने जाते थे, तो शायद वो कहीं ना कहीं धर्मशालाएँ, सराय या इस तरह के डोमेट्री को यूज़ करते थे जो बहुत छोटे छोटे होते थे। तो आज हमें वापस से उन्हीं प्राचीन सभ्यता को, उन्हीं प्राचीन चीज़ों को वापस से उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बिल्डिंगें आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है। वो बिल्डिंगें टूटी नहीं है, ख़राब नहीं हुई, बेकार नहीं हुई। बहुत सारी जगहें, इस तरह की धर्मशालाएँ, सराय
और डोमेट्री बनी हुई है जिनका आप उपयोग कर सकते हैं और बहुत आसानी से वहाँ रह सकते हैं, तो ये अपने आप में पहल होगी। मैंने ये भी एक आइडिया सोचा कि क्यों ना ऐसी चीज़ बताई जाए। सोलन में और भी बहुत सारी देखने की जगह है। आप सोलन का माल रोड देख सकते हैं। माल रोड के ऊपर आप देखेंगे तो दो पार्क और बना रखे हैं। माल रोड में ही दो छोटे छोटे मंदिर भी हैं, वो भी आप विजिट कर सकते हैं। ये माँ सूलनी देवी का चौक है। इस चौक से जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको जटोली जाने का रास्ता, आपको ओसघाट जाने का रास्ता मिलेगा, वहाँ भी आप जा सकते हैं। आप पूरा एक दिन चहल के लिए निकाल सकते हैं, जहाँ पर चहल फोर्ट और महाराजा पटियाला, जो कि इनकी ग्रीष्मकालीन या सर्दकालीन ये कैपिटल होती थी, उस कैपिटल को भी विजिट कर सकते हैं। अब अश्विनी खंड मंदिर भी जा सकते हैं, जो मंदिर भी सोलन में स्थित चहल में स्थित है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, अभी जो बाईपास नया बाईपास बना है, दो अलग अलग सोलन को उसने जोड़ दिया, और सोलन को जोड़ने से ये फ़ायदा हुआ कि सोलन डिस्ट्रिक्ट अब काफ़ी बड़ा हो गया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि सोलन का जो बस अड्डा है वो बाईपास के ऊपर स्थित है, जो नया वाला है। पुराना वाला सोलन शहर के अंदर बना हुआ है, तो यहाँ पर घूमने की बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारी चीज़ें। आप सोलन के लिए सेपरेट कुछ समय लेके चले, 5-6 दिन का प्रोग्राम बनाएं, तब आपको घूमने में यहाँ बहुत मज़ा आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भी कुछ आप नया देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप क्या कुछ नया देखना चाहते हैं। मेरे वीडियो का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि मैं आपको पूरा भारत के बारे में बता सकूं और अपनी उस पुरानी प्रथा या पुरानी चीज़ों को मैं जागृत कर सकूं, जिनमें लोग पहले भी अमरनाथ यात्रा, केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ यात्रा करते थे। लोग धर्मशाला, सराय और छोटे छोटे गेस्ट हाउस में रुकते थे। वो गेस्ट हाउस आज भी हैं, कहीं ना कहीं छुपे हुए, बस हमें उन्हें ढूंढना है और वहाँ जाकर बहुत ही सस्ते दामों में रुकना है, और फिर आप आसानी से किसी भी शहर को विजिट कर सकते हैं। क्योंकि होटल प्रथा जब से आई है, तब से होटलों ने ऐसा मार्केट बनाया है कि ये सारी सारी जो पुरानी हमारी जो कल्चर थी, वो पुरानी कल्चर कहीं ना कहीं मिट सी या ख़त्म सी हो गई। तो आप प्लीज़ उन सब चीज़ों को ढूँढें। थोड़ा ढूँढने में ज़रूर आपको परेशानी ज़रूर होती है, कष्ट ज़रूर होता है कि कहाँ है, कैसे, अभी ओयो का होटल हो या कोई और होटल हो तो वो आसानी से मिल जाता है, पर ये सब चीज़ें आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं मिलती, नहीं दिखती, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ी, क्योंकि ये पुराने समय की चली आ रही धर्मशालाएँ, गेस्ट हाउस और डोमेट्री है जो कंटिन्यू आपकी एग्जिस्ट है, पर ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी या यूट्यूब या कह सकें आपके इंटरनेट पर नहीं है। तो इन सब को हमें ढूंढना है, देखना और उस प्रथा को वापस चालू करना है। ये चाय की दुकान थी जहाँ पर हमने बैठ के चाय पी, बहुत अच्छी चाय बनाई भाई साहब ने। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।